गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकंड ईयर की, और बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत राजस्थान भूगोल और उससे संबंधित हम बात कर रहे थे उद्योग की। राजस्थान के दृष्टि से हम बात कर रहे थे उद्योगों के बारे में। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे चीनी उद्योगों के बारे में। चीनी उद्योग के अंतर्गत हम बात कर रहे थे चीनी उद्योग से संबंधित समस्या की बात कर रहे थे। कौन कौन सी चीनी उद्योग के सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसके सामने हम जो समस्याएं थी उन पर विवरण स्पष्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कच्चे माल के आपूर्ति की समस्या थी, है ना, कच्चे माल की आपूर्ति की समस्या थी। ठीक है, जो कच्चा माल है, जैसे हम गन्ने को कच्चा माल मानते हैं चीनी के लिए, तो गन्ने का उत्पादन और गन्ने का जो उत्पादन क्या है, कम होता है। इससे क्या है, कच्चे माल तो गन्ना ही है और गन्ने का उत्पादन कम होता है, तो फिर कच्चे माल की कमी उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात की हमने श्रम से संबंधित, श्रम का अभाव, श्रम के अभाव में हमने देखा था कि जो श्रमिक हैं वो सस्ते तो हैं लेकिन कुशल नहीं है। ठीक है, क्या है, अधिकांशतः हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादा श्रमिक आते हैं, और ये क्या होते हैं, चीनी मिलें जो होती हैं वो वर्ष के कुछ ही समय में चलती हैं, जिसके कारण क्या है, वो अन्य कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, तो वो किसी एक कार्य में दक्ष नहीं हो पाते हैं। तो इससे क्या है, परफेक्ट श्रमिकों की आवश्यकता हमें होती है, और वो क्या होते हैं, वो अन्य कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, जिससे क्या है कि कुशलता हमें स्पष्ट नहीं होती है। कई बार क्या होता है, कर्मचारी जो होती हैं और मैनेजर जो होता है उनके बीच में क्या हो जाती है, इसी कुशलता के कारण अनबन आ जाती हैं, और कई बार हड़तालें भी देखने को मिलती हैं। तो ये समस्याएं हमने देखी थी। अब हम बात करेंगे तीसरी समस्या क्या है कि शक्ति के साधनों का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शक्ति के साधनों का अभाव पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, देखिए हम बात करेंगे चीनी मिलों की। चीनी मिलों में बात करते हैं तो कोयला जो है, कोयला ही केवल शक्ति के साधनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, कोयला किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत बहुतायत रूप में कोयला नहीं पाया जाता है, कुछ ही सीमित मात्रा में कोयला पाया जाता है जो अन्य कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। लेकिन इस कोयले की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, इस कोयले का आयात करते हैं। क्या करते हैं, आयात करते हैं, और ये आयात हम कहाँ से करते हैं, बिहार की खानों से करते हैं। बिहार के कोयले की जो खदानें हैं उन खानों से हम कोयले का आयात करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोयला बिहार की खानों से कहाँ आएगा, राजस्थान में आएगा।
राजस्थान में आएगा तो आते समय क्या होगा? समय, धन, श्रम, ये तीनों जो कारक आपको दिखाई दे रही हैं, इनका खर्च होगा या नहीं होगा? समय भी लगेगा, धन का खर्च भी होगा, साथ साथ में श्रमिकों की जो मजदूरी है वो भी लगेगी। तो इससे क्या होगा? इससे ये जो खर्च बढ़ जाता है, इससे ये खर्च उद्योग को प्रभावित करता है। और वो कैसे करता है? नेगेटिविटी में प्रभावित करता है। इससे क्या होगा? उत्पादन की लागत भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और उत्पादन की लागत बढ़ने के कारण क्या है? जो सेल की बात करते हैं वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इससे उद्योग धंधे कुछ समय के बाद में बंद होने शुरू हो जाते। समय अधिक लगेगा, धन अधिक लगेगा, श्रम अधिक लगेगा, ये कारक उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो हमें देखिए, कोयला जो शक्ति का केवल एकमात्र स्रोत हम स्पष्ट कर रहे हैं कोयले को चीनी मिलों के लिए, तो क्या हम अन्य स्रोतों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये क्या है? ये परंपरागत स्रोत हैं, हम गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग कर सकते हैं। भाई ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसकी मात्रा अब धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो हम गैर परंपरागत स्रोतों को इस्तेमाल कर सकते हैं शक्ति के साधनों के रूप में। देखिए कौन कौन से, जैसे सौर ऊर्जा की बात करते हैं, पवन ऊर्जा की बात करते हैं, बायोगैस ऊर्जा की बात करते हैं, बायोमास ऊर्जा की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे स्रोत क्या हैं? ये गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन स्रोतों को अपनाकर हम निसंदेह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? चीनी मिलों में। तो शक्ति के साधनों का जो अभाव है उसके निराकरण के लिए हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जो शक्ति के साधन परंपरागत रूप में उपयोग में ले रहे थे, वो शक्ति के साधन हम गैर परंपरागत को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये एक हमारे सामने बड़ी समस्या थी। चलिए आगे बात करते हैं। चौथी समस्या देखिए, चौथी समस्या क्या है? उद्योगों की मौसमी प्रवृत्ति, उद्योगों की मौसमी प्रवृत्ति का मतलब क्या है? भी उद्योग मौसम के अनुसार जो लगते हैं वो चीज यहां पर स्पष्ट होती है। देखिए चीनी मिलों की बात करेंगे या उद्योगों की बात करते हैं हम, तो ये जो चीनी मिलें स्थापित होती हैं या शुरू होती हैं या इनके उद्योग शुरू होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हम मानकर चल रहे हैं अक्टूबर से लेकर अप्रैल माह तक चीनी मिलें चलती हैं। मतलब वर्ष के कुछ ही समय में अक्टूबर से अप्रैल तक क्या है? चीनी मिलें चलती हैं। लेकिन कभी कभी हमें यह भी देखना पड़ता है, कभी कभी हम ये देखते हैं कि अक्टूबर की बजाय नवंबर में चीनी मिलें शुरू होती हैं और जनवरी में बंद हो जाती हैं। मौसम के अनुसार मौसम के अनुसार क्या है? चीनी मिलें
स्थापित होती है। अब देखिए वर्ष के कुछ ही समय में आपको चीनी मिलें स्थापित होती हुई स्पष्ट होगी, तो शेष समय की बात करेंगे। शेष समय में ये चीनी मिलें बेकार पड़ी रहती है। क्या रहती हैं? बेकार पड़ी रहती हैं शेष समय में। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे बात करेंगे हम कि कर्मचारी जो होते हैं, कर्मचारियों की बात करते हैं, ये कर्मचारी वर्ष भर के लिए काम करते हैं तो इनके लिए वेतन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल। इसके साथ साथ में जो भत्ते होते हैं वो भत्ते भी देने होते हैं, मकान के लिए, खाने के लिए या परिवहन के लिए कुछ भी भत्ते हो सकते हैं, वो भत्ते देने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं कुछ ठेकेदार लोग होते हैं, उनको ठेकेदारी देनी पड़ती है या उनकी मजदूरी देनी पड़ती है। तो देखिए वर्ष के कुछ ही समय में चीनी मिलें चली, लेकिन वे कितना हो रहा है, वे वर्ष भर का हो रहा है। वर्ष भर वेतन देना पड़ता है, वर्ष भर भत्ते देने पड़ते हैं और वर्ष भर ठेकेदारी जो मजदूरी होती है ठेकेदारों की वो देनी पड़ती है। तो इससे क्या चीज स्पष्ट होगी, इससे जो चीनी उद्योग हैं, जो चीनी मिले हैं, वो मिले क्या है, धीरे धीरे नुकसान के रूप में आपको स्पष्ट होगी होगी ऑब्वियसली होगी। उत्पादन कुछ ही समय हो रहा है, लागत उस पर क्या हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो चीनी मिले हैं वो लाभ की स्थिति में नहीं पहुंच पाती हैं, बल्कि क्या हो जाता है, इनका नुकसान होता हुआ स्पष्ट हो जाता है। ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने स्पष्ट हो रही है। चलिए हम बात करते हैं आगे, एक समस्या और है। आगे जो समस्या है हमारे सामने वो है खांडसारी उद्योग से प्रतिस्पर्धा है। क्या है, प्रतिस्पर्धा स्पष्ट हो रही है। अब देखिए प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की बात कर रहा है, किसके बात कर रहा है, कंपटीशन की बात कर रहा है। चीनी उद्योग से खांडसारी जो उद्योग है उसके संबंध में दोनों में क्या हो रहा है, कंपटीशन उत्पन्न हो रहा है। और उस कंपटीशन के कारण क्या है, चीनी का जो उत्पादन है वो उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए हम बात करते हैं कि खांडसारी जो उद्योग है, देखिए राज्य में राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के अंतर्गत गांव में क्या होता है, कई जगह हम कई बार किसका प्रयोग लेते हैं, गुड़ का प्रयोग लेते हैं, ठीक है, खांड का भी प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है, शक्कर को भी उपयोग में लेते हैं, और कहीं कहीं देसी जो चीनी होती हैं उस देसी चीनी का भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए राजस्थान के अंतर्गत गांव में ये सारे के सारे जो मिठास से संबंधित हम बात कर रहे हैं, गुड़, खांड और शक्कर, देसी चीनी, इनका उपयोग क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो चीनी है इस चीनी का उपयोग क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। दोनों का कंपटीशन है, दोनों के कंपटीशन में ये जो खांड सारी उद्योग है इसमें जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, और इसके कारण इसका उत्पादन नीचे वाले चीनी की बात करते हैं, हम मिलों की बात करते हैं, तो चीनी की जो मिलें हैं उनमें जो चीनी बनती हैं उसका उपयोग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसके साथ साथ में जब गन्ने से हम शक्कर वगैरह बनाते हैं, ये सारे उत्पाद बनाते हैं, तो इससे क्या है, इससे इस चीनी वाली मिल में कच्चे माल की क्या पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर बात करते हैं हम मूल्यों, तो इनमें से कुछ प्रोडक्ट क्या है इसकी अपेक्षा सस्ते हैं, तो मूल्यों में क्या आ जाता है, कंपटीशन उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या है कि ये जो चीनी की मिलें हैं ये लाभ की स्थिति में नहीं आ पाती हैं। और इस चीनी उद्योग की बात करेंगे तो इस चीनी उद्योग पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी की सारी समस्याएं हमने देखी, कुल 5 समस्याओं की हमने बात की है। कौन कौन सी समस्याएं हैं, देखिए ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को यदि इन समस्याओं का निदान किया जाएगा तो चीनी उद्योग का जो भविष्य है वो भविष्य क्या रहेगा, उज्ज्वल रहेगा। कौन कौन सी समस्याएं हैं, कच्चे माल की आपूर्ति की समस्या होती है, श्रम का अभाव पाया जाता है, शक्ति के साधनों का अभाव पाया जाता है, वहीं हम चौथा देख रहे थे उद्योगों की जो मौसमिक प्रवृत्ति है वो भी इफेक्ट डालती है, और खांड सारी उद्योग से जो प्रतिस्पर्धा है वो भी इफेक्ट करती है चीनी उद्योग को। तो ये सारी के सारी समस्याओं का हम निराकरण कर लेंगे तो क्या है, चीनी उद्योग का जो भविष्य है वो भविष्य क्या रहेगा, उज्ज्वल रहेगा। ठीक, ये हम बात कर रहे थे चीनी उद्योग के बारे में। अब देखिए हम बात करेंगे एक नए उद्योग के बारे में, आगे हम बात करेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग, किसमें बात करेंगे, ऊनी वस्त्र उद्योग से संबंधित राजस्थान की दृष्टि से देखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में। तो देखिए ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो राजस्थान में ऊन का जो व्यवसाय है, ऊन का व्यवसाय, ये ऊन का व्यवसाय वर्तमान समय में नहीं हो रहा है, बल्कि क्या है, ये बहुत पुराना तथा इसके साथ साथ में महत्वपूर्ण व्यवसाय भी माना जाता है राजस्थान की दृष्टि से। ऊन का जो व्यवसाय है वो क्या है, प्राचीन समय से चलता हुआ आ रहा है। और राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान का जो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में क्या है, भेड़े बहुत पाली जाती है। कौन सा पशु, भेड़ों की बात कर रहे हैं, और भेड़े क्या है, भेड़ों की बात करेंगे तो भेड़े वर्ष में 2 बार ऊन प्रदान करती है। तो ये भेड़े पाली जाती है पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पर, और इसी कारण क्या है, पश्चिमी राजस्थान और भेड़े वर्ष में 2 बार ऊन देती हैं, इसी कारण पश्चिमी राजस्थान ऊन के व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र
माना जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं, उप क्षेत्रों की बात करूंगी, जिलों की बात करूंगी, कितने उत्पादन की बात करते हैं, कितने प्रतिशत भेड़ें राजस्थान में पाई जाती है, इससे संबंधित हम जो तथ्य है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।